हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डबल लेयर कुर्ती बताने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये दो तरह का फैब्रिक लिया है। ये हमने 2 मीटर लिया है और ये हमने 2.5 मीटर लिया है। अगर आप बड़ा साइज बनाना चाहती हैं तो इसे 3 मीटर लें। ये हम 11-12 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं, जिस वजह से हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये हमने 2 मीटर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें से अपनी चोली निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने अपनी चोली के लिए कपड़ा लिया है, ये हमने फुल लेयर में रखा है और जो इसकी हमने लंबाई ली है वो हमने 16 इंच ली है। और उसके बाद में जो हम अपने गला नापेंगे वो आप जितना बड़ा पहनती हैं उस हिसाब से रखें। हम ये बच्ची के लिए बना रहे हैं, इस वजह से इसे 2.5 इंच का गला रखेंगे। और यहाँ से जो हमारा तीरा है वो है 6.5 इंच, हमारा 13 इंच है खुल के। हमने इसलिए 6.5 इंच लिया तो खुल के 13 इंच होगा। और जो आर्म होल लेंगे वो हम 7 इंच लेंगे, 7 से थोड़ा सा कम लेंगे, बड़ा नाप लेते हैं तो वो 7 लेना होता है। इसे सिमला देंगे। और गला आप कोई भी बना सकती हैं इसमें। ये गला मैंने ऊपर से 2.5 लिया है और नीचे से इसे मैं 2 इंच लूंगी। इसे राउंड शेप देके मिला दूंगी इस तरीके से। उसके बाद हम अपनी ब्रेस्ट नापेंगे। ब्रेस्ट है हमारी 26, तो इसमें आएगा 6.5। 6.5 में हम 2 इंच कपड़ा लूजिंग के लिए लेंगे, तो इसे लेंगे यहाँ से 8.5 इंच। और कमर का हमें 1 इंच इससे कम लेना है, यहाँ से हम इसे 7.5 लेंगे। इसे इससे इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। और जैसे हम इसमें फ्रंट और बैक में कर्व देते हैं उसी हिसाब से हम इसमें कर्व दे लेंगे। बैक वाले में 1.5 इंच और फ्रंट वाले में 1 इंच। और ऊपर से देखिए, यहाँ से हम इसे 3 इंच लेकर और तब थोड़ी से अंदर की तरफ गहराई देते हुए फ्रंट पीस का मार्क करेंगे और बैक वाले का 1.5 इंच पर। इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से तीरा की तरफ से हमें ये आर्म होल की साइड से 1/2 इंच और लेना है। इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। पहले हम बैक वाले पीस की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट की। अब ये फ्रंट पीस हम अलग कर लेंगे। इसका आर्म होल की कटिंग और करेंगे थोड़ी सी। इस तरीके से अभी देखिए, जो हमारे ये 2 मीटर कपड़ा लिया है इसे हम 2 लेयर में कर लेंगे और ये हमें 47 इंच लंबा तैयार करना है। उसी हिसाब से इसे रखना है। इसको हमने 2 लेयर में किया है और इसे फिर से हम इसे ऐसे करके 4 लेयर में रखेंगे। ये देखिए, ये हमने 4 लेयर में रख लिया है। और इसकी लंबाई देखिए, हमें पूरा टोटल 47 इंच रखना है, तो इसमें हमने 16 इंच ऊपर छोड़ दिया है। और इसमें ये हमने 30 इंच लिया है। जो हम इसके नीचे वाला फैब्रिक लेंगे वो हम 33 इंच लेंगे। और जो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से जो ऊपर से जॉइंट है एक फीस को लेंगे हम अपना। बैक लीजिए ये फ्रंट, उसे लेके डबल लेयर में कर लिया है। इससे नाप लीजिए बिल्कुल बराबर। यहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए, इसे हमने यहाँ से मार्किंग कर लिया है। उसके बाद में इसे हमें यहाँ से और इस तरीके से निशान लगाना है, यहाँ तक तिरछा करते हुए। देखिए, यहाँ तक से नीचे तक लेके। और उसके बाद में ये हमें यहाँ से 22 इंच लेना है।
27 इंच लेंगे और इससे इस तरीके से मिला देंगे, शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसमें 3 इंच छोड़ देंगे, बिल्कुल हमें ये चौंच नहीं बनानी है यहाँ पर, ये हमने 3 इंच छोड़ा है यहाँ पर। देखिए इसे यहाँ से हमने 3 इंच का गैप छोड़ दिया है और इसमें ये हाई लो शेप दे देंगे हम। अब इसी तरीके से इसे कट करना है, पहले हम इसे यहाँ से कट करेंगे। फिर इसे यहाँ से कट कर लेंगे। और ये जो हमारा बीच सेंटर है, ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग आई है और इसे हम यहाँ से अलग कर लेंगे। और इसमें से हम एक पीस को अलग निकाल देंगे जो हमारा बैक पीस है, और फ्रंट वाले पीस को हम फिर से 2 लेयर में करेंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पीस है, इसको हम बिल्कुल बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे इस तरीके से 2 पीस हो चुके हैं। और उसके बाद में इसका हम जो नीचे का कपड़ा कट करेंगे, अब देखिए ये जो हमारा कपड़ा है ये आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लें, अगर ज्यादा प्लेटें चाहिए तो और भी कपड़ा लें, और ये लंबाई आप अगर बड़ा बना रही हैं तो इसे फुल ले लें, लेकिन हम इसे छोटा बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमें लंबाई को लेना है। इसमें हम 33 इंच कपड़ा लेंगे यहाँ से, इस तरीके से हम पूरे में 33 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और इसे कट कर देंगे यहाँ से। इसमें हमें गैदर्स डालनी है, इस पीस को हम अलग कर लेंगे, दोनों पीस में अलग अलग डालनी है हमें। अभी देखिए इसमें हमें फ्रंट पीस में जो डिजाइन देना है उसके लिए हमें ये फ्रंट पीस लेना है और इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, देखिए ऐसे इसे बिल्कुल एक साथ रखना है हमें। उसके बाद इसके ऊपर हमें मार्क कर लेना है। अभी देखिए इसके ऊपर हम यहाँ से ऐसे ही मार्क कर लेंगे पूरे गले के ऊपर और इस आर्म होल की साइड भी कर लेंगे, और ये नीचे से भी इसी तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से देखिए ये ऊपर की साइड से हमें 2.5 इंच लेना है, आप 3 भी ले सकते हो इसे। देखिए यहाँ से हमें ये, आप चाहे तो इसे 3 पर निशान लगाएं, यहाँ से हमें ये 2.5 इंच लेना है और नीचे से हम इसे 8.5 लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसको हटा के और हमें ये कुछ इस तरीके की शेप देते हुए लाना है, ये हम गोल कर देके इसे इस तरीके से मिलाएंगे इससे। अब देखिए इसी हिसाब से इसको कट कर लेंगे। और इसे आर्म होल की साइड से भी ऐसे ही कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से।
अभी देखिए इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। उसके बाद में एक पट्टी, ये हमारा ओरिम में कपड़ा हो चुका है, इसी में से हम 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए, जो इसके ऊपर हम सिलेंगे उसके लिए। ये हम इसकी राइट साइड रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये इसे सिल के इसे राइट साइड रख के और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके तैयार करेंगे पहले। और उसके बाद ये देखिए जो दो हमारे फैब्रिक है इसके ऊपर हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे, ताकि इसमें गैदर्स डालेंगे तब। इसके लिए हम कच्ची सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें ये इसकी रॉन्ग साइड रख के और इसे सिलना है, फिर अंदर की तरफ पलटना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा के तैयार करनी है। अभी देखिए इसके ऊपर हमने ये पट्टी लगा ली है और उसके बाद में हमें हल्के हल्के इसमें कट लगाने हैं, सिलाई न कटने पाए। और उसके बाद में इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, देखिए इस तरीके से इसको पूरे को हम फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अभी देखिए हमने सीधे कपड़े को रख लिया है और इसे इसके ऊपर सिलना है, ये बिल्कुल इकसार करके इसके ऊपर रखना है और इसी तरीके से हमें सिलना है। देखिए हमारा चारों तरफ से बिल्कुल सेट है। अगर आपसे ऐसे ना सिला जाए तो इसमें पिन वगैरह लगा लें, इसे पिन अप करके तब सिल सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही सिल के तैयार करूंगी, इसमें पूरे पे ऐसे ही सिलाई लगानी है। पूरे पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर और एक पट्टी मैंने कट की है, ये और एक पट्टी रखनी है और ये अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। फिर सॉरी देखिए हमें ये इधर से रखनी है, फिर बाहर की तरफ इसे हम फोल्ड करेंगे। ये हमें इधर की साइड से रखनी है, उल्टी साइड से रखेंगे इसे हम। पूरे गले पे राउंड लगा के तैयार करेंगे इसी तरीके से। अब उसके बाद में इसमें हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे, ताकि सिलाई ना कटे और इसकी शेप अच्छे से आए। और जिस तरीके से हम ये फ्रंट पीस में लगा रहे हैं, इसी तरीके से हम बैक वाले में लगा लेंगे। बैक वाले में सिर्फ हमें ये पाइपिंग लगानी है, ये डिजाइन नहीं लगाना है, सिर्फ इसे फोल्ड करेंगे। इसे थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करके और बाहर की तरफ पलट के इसे इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम बैक वाले पीस में पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। ये दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है, उसके बाद में इसका तीरा जॉइंट कर लेंगे हम दोनों तरफ से। आप देखिए इसमें कोई भी गला बना सकते हैं। अब मैंने ये एक तरफ से जॉइंट कर लिया है, मैं दूसरी तरफ में इसे देखिए ये हमारा गला इस तरीके से सर में दिक्कत देगा पहनने में। इसमें हमने पीछे जिप वगैरह नहीं लगाई है, तो इस वजह से मैं इसमें यहाँ पर एक हुक लगाऊंगी। यहाँ से देखिए एक पट्टी बनानी है हमको इस तरीके से, और इसे हम इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे देखिए ऐसे। और उसके बाद में इसे हम ऐसे करके एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर।
इसमें बटन भी लगा सकती हैं या हुक भी लगा सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कुछ भी लगा सकती हैं। और उसके बाद में मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर लूँगी, हल्का सा इसके ऊपर आप आई बना सकती हैं। ये देखिए मुझे पूरा फोल्ड नहीं करना है, ये सिर्फ आधा फोल्ड करना है। और उसके बाद में मुझे इसे ये देखिए यहाँ से जॉइंट करना है, देखिए मुझे यहाँ से करना है, ये सिर्फ यहाँ से करीब मुझे 2 इंच छोड़ना है, तब इस तीरे को जॉइंट करना है। ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि जब हम यहाँ पर हुक या आई लगाएं तो ये बिल्कुल बराबर से आए। अभी देखिए ये हमें आर्म होल पे भी इसी तरीके से लगानी है, आप चाहे तो इसमें बाजू लगा सकते हो। ये हमने उल्टी साइड रखा है और ये इधर से हमारा सीधा है। इसके ऊपर हम पूरे की सिलाई लगाएंगे बाजू। ये देखिए उसके बाद में ये हमने इस तरीके से फोल्ड करना है इसके ऊपर, और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगा के तैयार करनी है जैसे हम इधर वाले को लगा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा हमने इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा के आर्म होल भी तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तो हम आइए हुक कुछ भी लगा लेंगे इस तरीके से। कंप्लीट होने के बाद में ये हमारी चोली तैयार हो चुकी है। ये इस तरीके से इसमें जब फिटिंग करेंगे, और अब उसके बाद में देखिए जो दो हमने ये दो लेयर कट की थी इनमें हमने सिलाई लगा ली है और इसमें हमें गैदर्स डालने हैं। तो हमें एक धागे को खींचना है, देखिए एक धागे को पकड़ के और खींचना है, देखिए धीरे धीरे इस तरीके से खींचते हुए चलना है। और इसमें पूरे में इसी तरीके से हमें ये गैदर्स डालनी है। ये हमें इतने में डालनी है, जितना ये हमारा हिस्सा है नीचे का उतना रखना है हमें, बाकी की गैदर डालने नहीं है। इसमें गैदर्स डाल के इसे तैयार करेंगे दोनों पीस को। अब ये देखिए हमने इन दोनों पीस में गैदर्स डाल के तैयार कर लिए हैं, और ये हमने इतने में डाली हैं जितना हमें इसमें चोली में अटैच करना है उतना रखा है इसे, देखिए यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर रखना है। ये देखिए ये हमने यहाँ से इतना रखा है बिल्कुल इसके बराबर का। और अब इसके बाद में हमें ये जो हमने दो पीस कट किए हैं उनको उनको अटैच करना है इसमें। अब देखिए ये हमने अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया है, ये जो हमने बीच में से कट किया था ये वाला पीस, और इसे हम करीब 1-1.5 इंच यहाँ से भी जॉइंट कर लेंगे सिलते समय। और सबसे पहले देखिए इसे हमें इसके ऊपर ऐसे जॉइंट करना है, इस कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है खुला, और उसके ऊपर इसे रखेंगे हम। देखिए जो हमारा ये कट है ये भीतर की साइड आएगा, बीच सेंटर में ये इस तरीके से इसके ऊपर हम सबसे पहले जॉइंट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, और इस तरीके से हम ऊपर से ये देखिए पैक वाले पीस को भी हम जॉइंट करेंगे। यहां से इसे हमें जॉइंट करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने ये इसके ऊपर सिल लिया है, और हमें ये बैक वाला पीस है इसको भी इसके ऊपर जॉइंट करना है, और फ्रंट वाले को हमें फ्रंट वाले के ऊपर जॉइंट करना है। जॉइंट कर लेंगे।
देखिए ये हमारा फ्रंट पीस है, आप चाहे तो इसे यहाँ से जॉइंट कर सकते हो 2 या 3 इंच, या फिर इसी तरीके से खुला भी रख सकते हो और उसके बाद हम ये फ्रंट वाला पीस में जॉइंट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से जैसे हमने बैक वाले को जॉइंट किया है, ये देखिए ये हमने इसमें जॉइंट कर लिया है। अब उसके बाद में देखिए हमें इसमें फिटिंग करनी है, इसको ये हमें उल्टा रखना है पहले। अब ये देखिए इसके बाद हम अपनी फिटिंग करेंगे, तो हमें यहाँ से 2 इंच कपड़ा छोड़ना है, ये देखिए इस तरीके से, और 2 इंच हमें इधर से छोड़ना है, ये देखिए बीच बीच की हमारी फिटिंग रखनी है हमें। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखें, जितना भी आप रखना चाहती हैं। ये हम 14 इंच रखेंगे। ये फिटिंग हमें सिर्फ यहाँ तक करनी है, और उसके बाद में ये देखिए फिटिंग के बाद में ये जो हमारे अंदर के कपड़े हैं, ये वाले दोनों पीस को हमें एक साथ जॉइंट करना है, अंदर वाले ये फैब्रिक, और फिर उसके बाद में हमें ये दोनों पीस जॉइंट करने हैं। ये देखिए यहाँ से हम अपनी इसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है, सबसे पहले अब हमें ये अंदर वाला फैब्रिक जो वो जॉइंट करना है, उसके बाद में ये बाहर वाला, इसे हम इसके साथ पूरे को जॉइंट करके तैयार करेंगे। ये देखिए नीचे तक हमने जॉइंट कर लिया है, उसके बाद में हमें ये बाहर वाले को जॉइंट करना है। हम ऐसे नीचे तक इसे भी पूरे को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए नीचे तक हमने सिल लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से, जो नीचे का बॉटम है ये हमारा, और इस वाले बॉटम को भी हम अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारी डबल लेयर कुर्ती आपके सामने बनके तैयार हो चुकी है। ये किस तरीके से बनाइए हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।